नमस्कार, मैं हूँ रिया। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़। आइए पढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर की अगली कड़ी में हम बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा का। आयोजन कोथाओ कस्बा स्थित रामलीला मैदान में किया गया। विभिन्न प्रकार के पंडाल लगाकर लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख निर्भया वर्मा ने कहा, डबल इंजन की सरकार आप सब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, आयुष्मान कार्ड जैसी विभिन्न योजनाएं चलाकर आपको लाभ दे रही है। शिक्षा के बगैर जीवन कैसे अधूरा है, उस पर भी एक नाट्य कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की गई। योजना का लाभ नहीं पहुंचा है किसी के माध्यम से, आप अपने रजिस्ट्रेशन कराएं, नाम नोट कराएं और योजना का लाभ। सारे स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड का भी रजिस्ट्रेशन होगा। शौचालय नहीं है तो शौचालय का रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप गरीब आदमी हैं, आवास भी नहीं है तो उसका भी नाम आपका लिखा जाएगा। आप लोग ये समझे कि यह कार्यक्रम खत्म हो गया। सभी विभाग प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपनी स्टॉल लगाएंगे और जो विभाग उपस्थित रहेगा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो आज नहीं आए उनकी सूचना आज ही भेजी जाएगी डीएम साहब और सीडीओ साहब। और सुनील पांडे जी, श्री अखिलेश शुक्ला जी, आप तीनों लोग आ जाए। मैं अपने मुख्य अतिथि से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप हमारे इन तीन किसानों को सम्मान। पति और पिता भी सारी